हर्षिल। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के पास गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा गांव, बस इतना हर यात्री जानता है। लेकिन अगर बाज की नजरों से देखना है तो सिर्फ हर्षिल नहीं बल्कि पूरी हर्षिल घाटी को देखेंगे। इस घाटी को और भी सुंदर बनाने वाले हर गांव से गुजरेंगे और हाँ, इस साल की बर्फ की ठंडक आप तक भी पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर ऑफ हर्षिल वैली। अभी भी हम नदी के अंदर जा सकते हैं यहाँ से। क्या नाम है तेरा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पहाड़ों से। कितना खतरनाक है, काटेगा तो निकाल दू, हाथ से खिला दू इसे, कहीं हाथ मेरा गायब कर दे। ले यहाँ से, यहाँ से खा। सेट, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी, प्रणाम आप सभी को और स्वागत है आपका इस साल के हमारे पहले एडवेंचर में। तो इस बार अभी जो है हम हर्षिल वैली में हैं। इस गांव का नाम जो है सुखी है और सुखी के टॉप में हैं हम। तो आप कह सकते हो कि हम जो है सुखी टॉप में हैं। यहां से बढ़िया बढ़िया पुराली वगैरह तीन गांव और पड़ते हैं हर्षिल तक। तो कल रात हम यहां पे पहुंचे थे। प्लान तो ये था कि सीधा हर्षिल ही टिका देते हैं, लेकिन बर्फ़ इतनी थी कि जो हमारी गाड़ी है वो स्किड कर रही थी। तो मेरे को लगा रात में रिस्क लेना सही नहीं है, तो हमने यहीं पे रोका और अब देखते हैं जितना आगे गाड़ी जाएगी वैसे वैसे एक्सप्लोर करते हुए जो है हर्षिल जाएंगे। तो देखो यार, प्लान ना अपना, थैंक यू डार्लिंग, प्लान अपना सिंपल सा है। 30 के बाद मेरे को लग रहा है थोड़ा, मतलब जब तक की जितनी जवानी बची है उसमें अंधे मज़े कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब जो है नेचर के साथ, दुनिया के साथ राड़े लेने, पंगे लेने। तो सबसे पहले जो है हम बर्फ के साथ पंखे लेने आए। तो इस ट्रिप का कोई उद्देश्य नहीं था हमारा, सिंपल ये था कि उत्तराखंड में मतलब कहाँ अपने को मस्त बर्फ देखने को मिलेगी। तो मोस्टली ज़्यादातर जगह हम घूम गए हैं। बरसातों में हम जो है दयारा बुग्याल के लिए आए थे, तो उस समय मेरा मन था हर्षिल होके आऊँ, लेकिन बहुत सड़क टूटी हुई थी। तो बस यही एक ऐसी जगह बची थी अपने गढ़वाल साइड में जहाँ अपन नहीं आए हैं। तो इस बार जो है ये तमन्ना अपन पूरी कर रहे हैं और बर्फ़ के साथ पूरे सीरीज में पंगे लेते नजर आएंगे आपको। और आज के दिन का पहला एडवेंचर है हमारा सुखी से। तो यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर पे अभी सर्दियों के वक्त एक पक्षी है जिसको मोनाल बोला जाता है। मोनाल वैसे उत्तराखंड का हमारा राज्य पक्षी भी है और नेपाल का जो है राष्ट्र पक्षी है। तो बड़ा खूबसूरत सा पक्षी है, मतलब मस्त कलरफुल, जैसे मोर पे प्रिंटेड से दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरे ख्याल में हमने इसको जब हम तुंगनाथ के लिए ट्रैक कर रहे थे तब भी हमको किस्मत से वो बर्ड दिखा था, बट उस वक्त तो हम बहुत अच्छे से उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। बट यहाँ से सुखी से थोड़ा ऊपर प्लान है कि वो जो है चुगने आते हैं, तो पेड़ों की जड़ वगैरह वो खाते हैं। और इस समय मतलब सर्दियों में जब खास करके बर्फ़ पड़ जाती है तो काफ़ी नीचे वो आ जाते हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसे स्पॉट कर पाएँ। तो प्लान ये है कि पहले अपन दूरबीन से देखेंगे मस्त करके बैठ के आराम से शांति से, और अगर अपने को मिल गई तो उसके बाद जो है कैमरे से अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। अब मिलती है नहीं मिलती है वो तो किस्मत की बात है, बट लेट्स गो। मोनाल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं हमारे होम स्टे के ओनर और हमारे आज के गाइड राणा जी। राणा जी बड़े दिलचस्प इंसान हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, एक किसान हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आज का युवा अपनी सभ्यता और इस प्रकृति से जुड़ाव महसूस करे। तो राणा जी के साथ मोनाल को ढूंढने का सफर रोमांचक होने वाला है। मोनाल भी दिख गई है? अरे कितने कौवे हैं यार, नहीं कौवे हैं ये कौवे हैं जो उड़ रहे हैं ना। हाँ कौवे हैं ये जो आपके, हम जो पास में पहुंचे हैं ये जो हरे रंग के जंगल दिख रहे हैं ये थुनेर का जंगल है। अच्छा। और इसको टैक्सस बकाटा भी बोला जाता है, और इससे टैक्सोल जो होता है कैंसर के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इन्हीं से निकलता है। देखो आप बिल्कुल अभी भी पाउडर बनी है। क्या बोलते हैं ये अपना ग्लूकोज पाउडर, ये देखो। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी धूप नहीं लगी है ना। हाँ, ये हार्ड नहीं हुआ है, पानी नहीं बना है। चलो चलो चलो, ये पेड़ से गिरा हुआ अखरोट मिला, सी उसके बाहर एक छिलका रहता है अखरोट का, और ये अखरोट है, दांत से टूटेगा।
इन पेड़ों की ये खाल है, ये तो गिरी हुई है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये खाल है, ये खुद ही टूट जाती है, ये देखिए। अच्छा, यही है टेक्सास बकाटा। हाँ, तो ये तो पेड़ टेक्सास बकाटा का हो गया, और ये जो खाल है इसकी ना, हाँ, तो इसको ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं इसको। अभी आपको जो छोटे छोटे पत्तियां है ना, हाँ जी, इन्हीं में से जो है कोई ना कोई जो है एक टहनी बनते बनते और इसी के साथ जुड़ जाएगा और एक पेड़ और मोटा होता जाएगा। जैसे कई पेड़ आपने देखे होंगे नीचे से, वो पीछे देखो आप कि उसमें कितने ही जो है अलग अलग पार्ट है। हाँ, आपको लग रहा है कि ये अलग अलग ज्वाइंट एक साथ है, तो ये इन्हीं से निकले हुए हैं। हाँ, मतलब एक एक उससे ना रेशे की तरह निकल रहे हैं, बिल्कुल रस्सी की तरह। ये जो पाँव के निशान दिख रहे हैं आपको, ये ना निशान, हाँ हाँ, छोटे छोटे ट्रायंगल में, हाँ, तो छोटे छोटे ये या तो मोनाल के होंगे या चकोर के होंगे। अच्छा। तो जैसे आगे मैं देख रहा हूँ तो हो सकता है मोनाल का भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा है काफी। इसको क्या बोलते हैं? माला है ये जगह। अच्छा, ये माला है। माला है, और राइट साइड में ये अवाना है। अवाना, अवाना, ये जो बढ़िया एकदम बर्फ का वो दिख रहा है। हाँ, अभी भी हमें पूरा नहीं दिख रहा है, हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे वो और अच्छा दिखेगा। लग रहा है बाघ का, बाघ के पंख लग रहे हैं, बिल्कुल है। हाँ, भले बड़े नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा है। आ गई? नहीं नहीं, मोनाल तो नहीं, पर बकरा मिल जाएगा। अच्छा, मोनाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो ट्रेल है और जो व्यू यहाँ से दिख रहा है वो बहुत मजेदार है। वाव, देखिए मुझे मोनाल तो नहीं दिखा, पर जो थार होता है ना, माउंटेन गॉड जिसको बोलते हैं, वो मेल दिख गया मेरे को। अरे वाह। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत शानदार अकेला ही है अभी वो। आप इससे एडजस्ट कर लो और मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे को तो अब वो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है ना। पिछवाड़े पिछवाड़े ठंडे पड़ गए। नहीं नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, बड़ा एंजॉय है ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें कुछ देखना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है। के राइट साइड में थोड़ा आगे जाके एक चट्टान है, वो मतलब है ना दिख रही है, पत्थर की है ना, पत्थर की चट्टान, उसके नेक्स्ट एक और चट्टान है छोटी सी, ठीक है, अब उसकी आप 12 बजे जाइए। काफी देर ट्रैक करने के बाद हमें मोनाल तो नहीं लेकिन एक जंगली बकरा दिखाई दिया, जिसे हिमालयन थार या सरल शब्दों में हिमालयन गोट कह लो दिखाई पड़ा। अब उसे साफ साफ रिकॉर्ड कर पाना हमारे कैमरा लेंस की क्षमता से बाहर था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वो हमें दिखाई पड़ा। मोनाल देखते देखते हम थक गए हैं। मोनाल, मोनाल, मोनाल। मोनाल तो नहीं दिखी हमें, लेकिन पूरे सफर का मजा आ गया है। क्यों? एक वो दिखाए जंगली बकरा, लेकिन अभी सफर शुरू हुआ है और अभी पूरे सफर में जो है हम बर्फ के बहुत मजे लेंगे। सुखी गांव तक का सफर हमारा यहीं खत्म होता है, और सुखी गांव से हर्षिल घाटी शुरू हो जाती है, और इसके बाद हर्षिल आने तक इस घाटी में तीन प्रमुख गांव और हैं, जसपुर, पुराली और झाला। तो जहां मन करेगा वहां रुकते हुए आराम से हर्षिल पहुंचेंगे। कल रात मतलब तकरीबन 9 बजे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये जो है हर्षिल से 15 किलोमीटर पीछे है। मूड हमारा ऐसा था कि सीधे कोटद्वार से हर्षिल ही टेकनी है, लेकिन मन में ना दो बातें आ रही थी। एक तो कि चलो हर्षिल देखना है, लेकिन हम ना रोड मिस कर रहे थे, क्योंकि रात में हमको जो नज़ारे दिख रहे थे दोनों साइड जो है बर्फ़ को साइड लगाया हुआ था, और बीच से हमें सिर्फ उतना ही स्पॉट दिख रहा था लाइट में, जो सड़क ही सड़क है। तो बड़ा हम सोच रहे थे यार हमने नज़ारे मिस कर दिए। दूसरा, यहाँ पर फिसलन भी हो रही थी, तो हमने कहा यार इतनी रात में वॉल्टो कहाँ चढ़ाएंगे, तो हमने जो है यहाँ पर सुखी गाँव में इसको रोक दिया है। लेकिन अब जो नज़ारे हैं, जो दिन वाले नज़ारे हैं, वो अपन साथ मिल के देखेंगे। लेट्स गो। आज से लगभग 185 साल पहले हर्षिल में एक फिरंग आया था, और हर्षिल की कहानी उस फिरंगी के बिना
अधूरी है, जिनका नाम था फ्रेडरिक ई विल्सन। पुष्पा मूवी आप सभी ने देखी होगी, और पुष्पा मूवी में जिस तरीके से वो चंदन की लकड़ियों को वो बहाता है ना नदियों से ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए, तो उसी तरीके का एक विलन हीरो राजा कह लो आप उसे, विल्सन का नाम आपने सुना होगा। तो विल्सन की इतनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पहाड़ों में कि उसको पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उनका नाम फ्रेडरिक विल्सन था। भले ही हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ एक विल्सन यहाँ आने से उसने आज की जो हम अगर देखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पे सेब नहीं था, ठीक है, है ना, तो विल्सन यहाँ पे आया, उसने देखा कि ठीक है भाई ये क्लाइमेट सेब के लिए है। अच्छा, तो मतलब विल्सन यहाँ सेब लेके आया। बिल्कुल, तो विल्सन ने ही जो सेब का जो अभी आप हर्सिल में अगर जाएंगे आप ना, तो वो पेड़ आज भी वो वेराइटीज वहाँ पे हैं, भले उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, है ना, लेकिन वो पेड़ देखने को मिल जाएगा जो विल्सन पहली बार लेके आया था। अच्छा। वो हर्सिल में आज भी है, तो यानी कि वो मेरे ख्याल में 100 साल से ऊपर, 100 साल से ऊपर हो चुका है वो। हाँ, राइट, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये देवदार के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, उसके पेड़ जो है नदियों के रास्ते बहाए, तो बहुत ही मतलब सॉलिड स्टोरी है। तो इन नज़ारों के साथ साथ मैं जो है आपको पूरे रास्ते में विल्सन की स्टोरी भी सुनाऊंगा। पहाड़ी विल्सन, खिलाड़ी विल्सन और शिकारी विल्सन। विल्सन के काम से विल्सन को नाम मिला, कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, और ये सब मिलके एक कहानी और एक इतिहास बन गया। विल्सन की कहानी शुरू होती है 1836 से, जब 19 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने भारत आए। आर्मी ज्वाइन करने के बाद 1839 में उन्होंने पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा, और वहां से जान बचाकर ब्रिटिश आर्मी को छोड़कर वो सीधा भारत पहुंचे और हर्षिल में जाकर बस गए। यहां हर्षिल के पास मुखवा गांव की एक स्थानीय महिला राय माता से उन्होंने शादी की, और जल्द ही गांव वालों ने उन्हें अपने समाज में स्वीकार कर लिया। अपनी पहली शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने उसी गांव की एक और महिला गुलाबी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए, नथानियल, चार्ल्स और हेनरी। विल्सन का मकसद शादी नहीं था, शादी तो उन्होंने उस समाज में फिट होने के लिए की, उनका मकसद था पैसा, जिसकी शुरुआत उन्होंने मस्क डेयर यानी कस्तूरी हिरन के शिकार करने से की। कस्तूरी और मोनाल के फर भारत से बाहर स्मगल किए, और इसके बाद उनकी नज़र पड़ी हर्षिल घाटी के घने देवदार के जंगलों पे। विल्सन की किस्मत प्रबल थी, उस समय में अंग्रेज देश भर में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और रेलवे ट्रैक के लिए टिम्बर स्लीपर्स की भारी मांग थी। टिहरी के राजा ने विल्सन को लकड़ी काटने का लाइसेंस दिया, और विल्सन ने भागीरथी के किनारे ही लकड़ी काटने की मिलें स्थापित की, और बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियों को गंगा में बहाकर हरिद्वार की ओर भेजा। और इस तरीके से टिहरी के राजा और विल्सन ने अपनी सोच से परे पैसा बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सॉलिड कहानी है विल्सन की, तो कैसे आपने कभी विल्सन का नाम नहीं सुना, कैसे विल्सन और विल्सन के वंशज लापता हो गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। आई होप बड़े मजा आ रहे होंगे नज़ारों के आपको भी, अभी बर्फ में आपको भी लदलद कर देंगे हम। तो यहाँ से 3 गांव पड़ते हैं, झाला, जसपुर और पुराली, और उसके बाद आपका जो है हर्षिल आ जाता है, तो समवेयर यहाँ से 15 किलोमीटर पे है। तो जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे, जिस गांव में देखने का मन करेगा उस गांव को देखेंगे, जिससे बात करने का मन करेगा उससे बात करेंगे। मेरे साथ साथ जो है आप भी इन नज़ारों के मजे लो। ये तुम्हारा मिनी पेट्रोल पंप हो गया है, क्या क्या गांव था ये, जसपुर, क्या नाम है तुम्हारा, आनंदित, बड़ा अच्छा नाम है यार आनंदित। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मजा आ रहा है, धूप कैसी लग रही है, अच्छी ठंड तो यहाँ पे जो है हम 5 लीटर पेट्रोल भर रहे हैं, क्योंकि प्लान कुछ कुछ ऐसा है हमारा कि अगर रास्ता खुला अपने को मिल गया तो गाड़ी सीधे जो है गंगोत्री टेकेंगे, और जो है विंटर्स में जो है एक बार गंगोत्री का मजा भी लेते हैं। तेल है तो कॉन्फिडेंस है कहीं भी जाने का। सुखी गांव से मेरे ख्याल में कुछ 3-4 किलोमीटर आगे हर्षिल वैली में ही एक और गाँव पड़ता है जिसका नाम है झाला। तो राइट साइड में भागीरथी बह रही है, तो बड़ा ही सुंदर गांव है। यहाँ एक पंचपुरा भवन करके है, जिस तरीके का पंचपुरा भवन हमने रैथल में देखा था ना, तो उसी तरीके का एक भवन जो है झाला में भी है। अब जो पूरी हर्षिल वैली है इसकी जो ज्योग्राफी है मैं आपको जो है उतर के सुनाऊंगा आगे।
हर्षिल वैली ठीक शुरू हो जाती है आपकी सुखी गांव से, जहां से हमारे जो हमारा होम स्टे था, ठीक है। सुखी के बाद आपका आता है जसपुर गांव, थोड़ा सा इससे ऊपर है। फिर आता है आपका झाला, और झाला के बाद आपका आता है पुराली। तो ये चार गांव जो हैं हर्षिल गांव से पहले पहले पड़ते हैं। और चार हो गए आपका हर्षिल, हर्षिल के साथ ही है आपका बागोरी, और उसके पास है मुखबा जो माइके है, जो मतलब शीतकालीन गद्दी स्थल है गंगोत्री का। और थोड़ा आगे हो गया आपका धराली। तो चार गांव हर्षिल से पहले हो गए, और चार गांव हर्षिल को मिला के हर्षिल के बाद हो गए। तो ये आठों गांव को मिल के पूरी की पूरी जो है हर्षिल वैली बनती है। अभी यहां से झाला गांव जाते हैं, ये झाला का गेट है, और यहां पे आपको एक पुराना सा मकान दिख रहा होगा, तो वो पंचपुरा भवन है, और यहां पे एक मंदिर है। तो पहले झाला गांव जो है एक्सप्लोर करते हैं। झाला यही है ना, ये पंचपुरा वो मकान। आप ही का है, क्या नाम है आपका? एकादशी। बड़ा सुंदर नाम है आपका। बताओ फिर पंचपुरा भवन के बारे में, क्या क्या कहानी थी इसकी? लास्ट कौन रहा था इसमें आपके परिवार से? कहाँ आप रहे बचपन में कभी? आप किस में रहते हो? अच्छा, आगे ये किसका है? ये भी बढ़िया लग रहा है। ओ, ये शानदार बना रखा है। होम स्टे नहीं, अपना है? अपना है। अच्छा, अब मैंने सुना था कि ये जो पंचपुरा भवन रहते हैं ना, ये क्या बोलते थे, भड़ बोलते थे, क्या बोलते थे जिनके रहते थे? भड़ ना, शक्तिशाली। अच्छा, वीर सिंह, रघुवीर सिंह, वीर सिंह। इस बार वो कैसे लग रहा है? ठंडा बहुत है बेटा, है बर्फ लग रहा है। वो तो बहुत देर से पड़ी इस बार बर्फ, तो है ना, इतना ठंडा तो आराम से पचा लेते होंगे। खुश मनचाही जिंदगी। चलो एक बार जरा हम घूम के आते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये जो है पंचपुरा भवन का पीछे वाला हिस्सा हमको दिख रहा था। अभी जो लेडीज हमको मिली वो बोल रही थी कि उन्हीं के मतलब उन्हीं का है ये, मतलब उन्हीं के पूर्वजों का है। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सब मर गए, और वो ये जो है ऐसे खाली पड़ा रहा, अब वो उन दूसरे घरों में रहती हैं। तो फिलहाल जो है इसको आगे से जाके देखते हैं। ये हमारा वीर सिंह भवन के नाम से जाना जाता है। ये 500 साल पुराना है, और ये हमारे वीर सिंह भड़ थे। वो मतलब वो एक ये समझ लो आप, जैसे पूर्व उसमें जैसे वीर सिंह जैसे पिता महा, मतलब पांच पांडवों में जैसे बड़े बड़े योद्धा थे, उसी के नाम से हमारे योद्धा ये थे। बाहुबली के नाम से जाना जाता थे ये। हाँ जी। तो अभी बंद है ये? अभी ये हम उनके हुए विरासत है उसके। यूज कोई नहीं करता है, यूज अभी तो खतरा बन चुका है। अभी इसके लिए पर्यटन से अभी हमारे पास 1 करोड़ समथिंग आने वाले हैं, जिसे पर्यटन से इसको आप उसके उससे म्यूजियम के उससे होगा, इस पे काम म्यूजियम के उस पे काम होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी वाले टोपी बनाने में कहीं पीछे नहीं है। तो ये जो है हम पंचपुरा भवन के ठीक आगे खड़े हैं। शायद पता नहीं जाने का रास्ता होगा नहीं होगा, बट देखते हैं अंदर जाके, शायद यहाँ से रास्ता है। होगा ये देख, सांप सूंप तो नहीं? माँ यार, ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है। कहाँ सीढ़ी है इसकी? यहीं से चढ़ जाते हैं। वैसी फीलिंग दे रहा है जैसे रैथल वाला था ना। हाँ, रैथल वाले की तरह ही लग रहा है भाई। पुरानी ज़माने की लकड़ी है, इसलिए थोड़ा दमखम है इसमें कि इतने साल झेल लिए इसने। मेरे ख्याल में ये मुझे रैथल वाले से भी पुराना लग रहा है। बस यहीं तक जाना इसमें पॉसिबल है ऊपर, और डर लग रहा है। हर्षिल से पहले पड़ने वाले जो भी गांव हैं, ये लोग बर्फ पड़ने के बाद भी इन्हीं गांव में रहते हैं, माइग्रेट नहीं करते। उत्तरकाशी साइड पहाड़ी लोगों के स्थानीय देवता हैं सोमेश्वर देवता। कुछ लोग इन्हें समेश्वर भी बुलाते हैं। ये बस बोली और उच्चारण का फर्क है, देवता एक ही हैं। तो आपको इस घाटी में बसे हर गांव में एक सोमेश्वर देवता का मंदिर जरूर दिखेगा। इस घाटी में बसे सभी गांव में सेलकू मेला मनाया जाता है, जिसके अंतिम दिन जिन पर सोमेश्वर देवता प्रकट होते हैं वो एक कुल्हाड़ी जैसे आकार के हथियार पर चलते हैं, जिसे गांव वाले डांगुरी बुलाते हैं।
पुराने समय में जब विल्सन ने मेले में देवता को डांगुरी पे चलते देखा तो उन्होंने देवता को चुनौती दी और कहा कि डांगुरी पे नहीं बल्कि तलवारों पे चल के दिखाओ। तो अब अंग्रेज हैं, अब अंग्रेज ने उसने सोचा कि पता नहीं ये तो आदमी तो ऐसे ही इस पे तो धार भी सही से नहीं है, तो उसने बोला कि मैं परीक्षा लूंगा, विल्सन मानूंगा, हाँ तब मानूंगा। अब उसने क्या कहा कि तलवारें तेज करवा के उसके ऊपर जो है उसको चलवाया, बोला कि अब चल के दिखाओ। तो कहते हैं कि देवता ने तलवार के ऊपर चलते हुए बोला कि विल्सन तूने मेरे लिए फूलों फूल बिछाने थे लेकिन तूने मेरे लिए तलवारें बिछाई। यानी उसने स्पेशली ना उस दिमाग को लेके चला कि कैसे चलता है देखते हैं उसके तेज धार के ऊपर, तब मानूंगा। तो वो चल गए ना, वो चल गए। कहते हैं कि देवता को चुनौती देने से, जानवरों की हत्या करने से और पूरे जंगल काटने की वजह से देवता ने विल्सन को श्राप दिया कि एक पीढ़ी के बाद उसका वंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हर्षल में विल्सन द्वारा बनाई गई हवेली भी 1997 में जल के राख हो गई। बाद में जो है दो शादी होने के बाद भी वंश खत्म हो गया, तो आज विल्सन के नाम लेने वाला भी कोई नहीं। शायद यही वजह है कि हर्षल के सेब तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन हर्षल में सेब लाने वाले पहले इंसान को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये था अपना झाला गांव, थोड़ा सा बाय रोड कनेक्टेड है ये, यहाँ पे जो है वही पंचपुरा भवन और सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। ये बगल में भागीरथी है और अभी यहाँ पे इस नदी में कोई नहीं है, तो मन है थोड़ी देर इसमें बैठेंगे, थोड़ा टाइम बिताने के बाद जो है अब सीधा हर्षल पहुँचते हैं। देखो अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट इसकी आवाज़, हवा की आवाज़ सुनो। और मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, देखो मैं हवा से थोड़ा थोड़ा फ्लोट कर रहा हूँ। तो ये पूरी वैली में बहुत तेज़ मतलब हवा का प्रेशर आ रहा है। अभी हमने जस्ट ये ब्रिज क्रॉस किया है और मेरे ख्याल से सुखी टॉप से हम कुछ 5-7 किलोमीटर आ गए होंगे। और यहाँ पे अभी मैं जिस तरफ हूँ, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ यानी कैमरे के पीछे की तरफ जो है भागीरथी नदी हमको दिख रही है। कल से ड्राइव करके शरीर थोड़ा अकड़ गया है, तो भागीरथी में जाने से पहले थोड़ा वॉर्म अप। तो मेरे ठीक पीछे आपको वो जो है भागीरथी है, नॉर्मली माँ गंगा है। तो यहाँ से एक ट्रेल सी बनी हुई है, इसको दिखाना एक बार। तो पता नहीं इंसानों ने बनाई है या जानवरों ने बनाई है। तो इस ट्रेल को जो है फॉलो करते हुए हम पहले माँ गंगा का स्पर्श करेंगे और फिर जो है वैली एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दादर ट्रैक, कभी भी हम नदी के अंदर जा सकते हैं यहाँ से। होए, अगर मैं दिख रहा हूँ शायद तो बहुत ही शांत जो है गंगा नदी की आवाज़ आ रही है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ। अपने लिए तो बहती गंगा ही संगीत है, साथ में आप भी महसूस कर सकते हो तो करो। ऐसा लग रहा है पूरी हर्षल वैली अपनी है। कोई नहीं रहा। ऐसे बड़ा सही रहता है यार, कोई नहीं रहता ना जब। मजा आता है चीजों का तब।